गोरखपुर पुलिस ने शनिवार और रविवार को सघन चेकिंग अभियान चलाकर दो दिनों में खुले में शराब पी रहे 325 लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई की है। इसी के साथ काली फिल्म लगाकर चार पहिया वाहन चला रहे 33 वाहनों को तथा करीब 200 वाहनों का भी चालान किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, ये DIG साहब और SSP साहब के निर्देशानुसार शनिवार की रात इसके लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया नगर क्षेत्र और देहात क्षेत्र में, जिसमें खुले में शराब पीने वाले, काली फिल्म वाले चार पहिए वाहन और संदिग्ध दो पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। इस पूरे अभियान के अंतर्गत कुल 325 लोगों को खुले में शराब पीते हुए पकड़ा गया 3 घंटे के अभियान में, और इनके विरुद्ध 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की गई है और इनको वार्निंग भी इशू किया गया है। साथ में 33 काली फिल्म वाली गाड़ियों का चलान किया गया और उनके काली फिल्मों को उतरवाया भी गया, और इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में दो पहिया वाहनों की चेकिंग हुई, जिसमें लगभग 200 के आसपास वाहनों का चलान किया गया किसी न किसी कमी के कारण। और इस प्रकार के अभियान को संडे को भी दोबारा चलाया गया था, जिसमें संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई थी, और DIG साहब, कप्तान साहब के निर्देशानुसार लगातार बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है, पिकेटिंग की जा रही है, और साथ में फुट पेट्रोलिंग हेतु भी जो प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से आदेश है उसके अंतर्गत सघन फुट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है नगर क्षेत्र में। सर, ATM को लेकर? ATM को लेके लगातार हम सुरक्षा की दृष्टि से नगर क्षेत्र में लोगों को पिकेट के फॉर्म में अथवा गश्त के फॉर्म में ATM को चेक करने हेतु भी जागृत रखे हैं।